नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सक्सेना है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी हूँ। इस वीडियो में आज हम आपसे बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के उपचार या ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को या आपके जानने वाले में किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो ये वीडियो आपको मदद करेगा डिसाइड करने में या जानकारी लेने में ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे। पहला कि ब्रेन ट्यूमर किस वैरायटी का है, मैलिग्नेंट है, बेनाइन है, मतलब कि कैंसरस या नॉन कैंसरस ट्यूमर है। और दूसरा, ब्रेन ट्यूमर की लोकेशन कहाँ पे है, मतलब कि ब्रेन में वो किस जगह पे स्थित है और किन हिस्सों को दबा रहा है या डैमेज कर रहा है। बेनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं वो नॉर्मली ब्रेन के बाहरी हिस्सों में होते हैं और ब्रेन के नॉर्मल हिस्सों को दबा के सिम्टम्स करते हैं। ऐसे में सर्जरी से उनको निकाल देने से कई बार ब्रेन ट्यूमर से निजात मिल जाती है, हम जिसको कहते हैं क्योर हो सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को आजकल सर्जिकल टेक्निक्स के एडवांसमेंट्स के कारण हम सेफली काफ़ी हद तक निकाल सकते हैं, उसके बाद में कीमो या रेडियोथेरेपी होती है। तो ये ब्रीफ आइडिया है ब्रेन ट्यूमर्स को कैसे डील करते हैं। कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर्स में हम लोग जो छोटे ट्यूमर्स होते हैं और जिनका ग्रोथ रेट काफ़ी कम होता है, जो बेनाइन वेराइटी के होते हैं, केवल आपको ऑब्जर्वेशन में रख के कुछ एक महीनों में या कुछ एक सालों में MRI करके देख सकते हैं। जब तक वो नहीं बढ़ रहे हैं या वो इंसिडेंटली पिकडअप हो गए हैं तब तक आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब वो बढ़ने लगते हैं तभी उनके उपचार की ज़रूरत होती है। कुछ विशेष प्रकार के ट्यूमर्स में हम आजकल रेडियोथेरेपी या रेडियो सर्जरी देते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक सिंगल शॉट ऑफ रेडियोथेरेपी ट्यूमर को दी जाती है, जिससे ट्यूमर की ग्रोथ को रोका जा सकता है। ट्यूमर अपनी जगह पर ग्रोथ रुक जाती है और ऐसे में हम ट्यूमर्स को सालों तक फॉलो कर सकते हैं और कई बार वो ग्रो भी नहीं होता है। सो जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट सामने आ रहे हैं, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ ब्रेन ट्यूमर की बहुत सेफ होती जा रही हैं, सर्जरीज भी ब्रेन ट्यूमर्स की काफ़ी सेफ हो गई हैं। हमारे पास में लेटेस्ट माइक्रोस्कोप्स हैं, कंप्यूटर गाइडेंस सिस्टम्स हैं, नर्व मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, इनके कारण जो भी सर्जरी का रिस्क है वो काफ़ी कम हो गए और किसी भी सामान्य सर्जरी के रिस्क के बराबर ही हो गए। धन्यवाद।